दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस खजाने या मनी ट्रायंगल की चर्चा करने वाला हूं, वो आपके हथेली के ठीक बीचों बीच पाई जाती है, जिसे हम राहु का क्षेत्र भी बोलते हैं। अब देखिए, इससे मिलती जुलती कई बनावट आपको बहुत सारी हथेली मिल जाएगी जो आपको वो फल नहीं देती जो सही मनी ट्रायंगल देती है। तो सही मनी ट्रायंगल का जो बनावट है उसको समझना बहुत अनिवार्य है। तो चलिए हम समझते हैं कि सही मनी ट्रायंगल किस तरह फॉर्म होती है और ये क्या क्या फल देती है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये समझना है कि इसकी बनावट कैसी होती है। अब देखिए, चूँकि ये मनी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, तो जो तीनों साइड्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और तीनों साइड को अगर हम समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि इसका सही फॉर्मेशन क्या है इस ट्रायंगल का। जो सबसे महत्वपूर्ण साइड है वो है आपका लक लाइन या फेट लाइन, जो आपके हथेली के ठीक बीचों बीच पाई जाती है। देखिए, ये पहली साइड हो गई। अब देखिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बहुत अनिवार्य है। अब जो दूसरी साइड है वो है आपकी माइंड लाइन। अब देखिए, सबसे पहले माइंड लाइन समझने के लिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपकी जो जीवन रेखा है वो इस तरह होती है, जो अंगूठे को घेर के रखती है उसे हम जीवन रेखा बोलते हैं। अब जीवन रेखा से सट के जो लाइन बनता है उसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। ये आपकी दूसरी साइड हो गई मनी ट्रायंगल की। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन हुई, लाइफ लाइन सट के जो लाइन बन रही है इसे मस्तिष्क रेखा या माइंड लाइन बोलते हैं। ये आपकी दूसरी साइड हो गई। पहली साइड आपकी लक लाइन, दूसरी साइड आपकी माइंड लाइन। अब जो तीसरी साइड होती है वो बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा होती है। अब देखिए, सही मायने में जो बुध रेखा या स्वास्थ्य रेखा की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी छोटी उंगली के ठीक नीचे का क्षेत्र, जिसे हम बुध का पर्वत बोलते हैं, वो होती है। उसका समापन जो होता है वो आपकी जीवन रेखा के आसपास होता है। अभी के लिए मानिए कि जीवन रेखा होता है। तो इस केस में, जिस केस में कि हम बात करें, जिस मनी ट्रायंगल की बात करें, उस केस में क्या होगा कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका मस्तिष्क रेखा होगा, और जो समापन होगा वो, देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जो हुआ वो आपका मस्तिष्क रेखा होगा और जो समापन होगा वो आपका भाग्य रेखा या फेट लाइन होगा। अब इस तीनों लाइन के फॉर्म में देखिए, ये मस्तिष्क रेखा हो गई, ये फेट लाइन हो गई, और ये आपकी स्वास्थ्य रेखा हो गई। अभी जितनी बड़ी होगी, मान लीजिए इधर यहाँ से बनी है तो ये और बड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी समझने के लिए आप ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल जो बनी इसे हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं, जो हमें जिन लोगों के हथेली पे होती है वो लोग बहुत धन उपार्जन करते हैं। देखिए, पहली साइड आपकी लक लाइन, दूसरी साइड आपकी माइंड लाइन, और तीसरी साइड जो है ये वाली है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअली होता है बुध का पर्वत और समापन होता है जीवन रेखा। लेकिन ये इस केस में, मनी ट्रायंगल केस में आप देखोगे, जो बेस्ट मनी ट्रायंगल जो बनती है उसमें आप देखोगे कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी मस्तिष्क रेखा होगी और जो समापन होगा वो आपका फेट लाइन होगा। तो दोस्तों, आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि सही मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए, क्या फल देती है और किन लोगों को देती है ये भी समझना जरूरी है। कि देखिए, जिन लोगों के हाथ में ये मनी ट्रायंगल होती है उनको गुप्त विद्या का बहुत नॉलेज होता है। उस गुप्त विद्या को वो अपने तक नहीं रखते, उसको समाज तक पहुँचाते हैं, सोसाइटी तक पहुँचाते हैं, और उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा धन उपार्जन करते हैं। पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस, ये व्यापारी बनते हैं, व्यापार में ये बहुत ज़्यादा धन उपार्जन करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने लिए पैसा बनाते हैं। तो ये मेरी चर्चा थी आपकी, मैंने आपको समझाया इस वीडियो में कि सही मनी ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सही से समझ पाए होंगे। आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।